दोस्तों आज हम लोग आए हैं एक बहुत ही प्यारे ऑस्कर विनिंग हाथी रघु से मिलने। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम वन ऑफ द ओल्डेस्ट एलिफेंट कैंप ऑफ इंडिया विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1927 द थेपकड़ू एलिफेंट कैंप। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे अभी रिसेंटली ही एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री को 2023 का ऑस्कर अवार्ड मिला है इन द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट फिल्म, जिसका नाम है एलिफेंट विस्परर्स। और वो जो द एलिफेंट विस्परर्स डॉक्यूमेंट्री है वो इस थेपकड़ू एलिफेंट कैंप में ही शूट की गई थी। तो ये थेपकड़ू एलिफेंट कैंप आता है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के अंतर्गत। ये मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व एक नेशनल पार्क है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। दिस इज सिचुएटेड एट द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका, जस्ट नेक्स्ट टू बंदीपुर टाइगर रिजर्व। तो इस मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर ही आता है ये थेपकड़ू एलिफेंट कैंप, और इस एलिफेंट कैंप में ही वो डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स की शूटिंग हुई थी। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है तो जरूर देखिए, नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी। 40 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है और बहुत ही प्यारी फिल्म है, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत खुशी होगी देख के। बहुत ही आई वुड से बहुत ही हार्ट वार्मिंग फिल्म है, बहुत अच्छा लगेगा। दो छोटे हाथी के बच्चों की कहानी है जिनके पेरेंट्स गुजर जाने के बाद उन हाथी के बच्चों को ट्राइबल महावत को दिया जाता है पालन पोषण के लिए, और उसके बाद कैसे उनकी लाइफ होती है, कैसे वो बड़े होते हैं, कैसे उनकी नटखट शैतानियाँ होती हैं, बहुत मजा आएगा। बहुत ही प्यारी डॉक्यूमेंट्री है। सो रियल स्टोरी पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है। दो हाथी हैं, हाथी के दो बच्चे हैं, रघु एंड अम्मू। रघु इज मेल एंड अम्मू इज फीमेल। रघु पहले आता है, उसके बाद फिर अम्मू कुछ साल बाद आती है, एक फीमेल एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट किड। तो हम उन्हीं हाथी के बच्चों से मिलने आए हैं, रघु और अम्मू से। देखते हैं उनसे मिल पाते हैं कि नहीं, अभी वो यहाँ पे एलिफेंट कैंप में अवेलेबल हैं कि नहीं। एंड काफ़ी पॉपुलर हो गई है ये जगह, ये डॉक्यूमेंट्री के ऑस्कर विनिंग के बाद काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी लोग आए हुए हैं। और यहाँ मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में जंगल के बीच में बहुत अच्छा एटमोसफेयर है, बहुत अच्छी सराउंडिंग्स हैं, चारों तरफ जंगल फैला हुआ है। आसपास काफ़ी सारे हिरन भी घूम रहे हैं, कुछ कुछ हाथी भी दिख रहे हैं मुझे एलिफेंट कैंप के अंदर, दूर मोर हैं बहुत सारे, एक छोटी सी नदी भी बहती है। सो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सीरीन, बहुत ही काम एटमॉस्फेयर है। तो ये एलिफेंट कैंप विजिटर्स के लिए दो टाइम ओपन होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग में, सिर्फ आधा आधा घंटा के लिए। मॉर्निंग में 8:30 to 9 एंड इवनिंग में 5:30 to 6। बस ये आधे घंटे में ही हम लोग हाथियों को देख सकते हैं। एलिफेंट फीडिंग होती है इस टाइम पे, सो वी कैन विटनेस द एलिफेंट फीडिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी होती है, बस सफारी एंड जीप सफारी। सो दैट इज अनदर एक्टिविटी दैट वी कैन डू हियर अपार्ट फ्रॉम विजिटिंग दिस एलिफेंट कैंप। सो दिस इज़ दी एलिफेंट कैंप, एंड ये यहाँ पे कुछ कुछ हाथी हैं, यहाँ पे एक हाथी है, वहाँ पे दो हाथी हैं, पूछते हैं यहाँ पर रघु है कि नहीं। सो ये है अपना प्यारा एलिफेंट रघु फ्रॉम दी डॉक्यूमेंट्री, दिस इज़ अवर बेबी एलिफेंट रघु। एंड कितना प्यारा, कितना क्यूट लग रहा है। एंड अम्मू इज़ समवेयर देयर। तो दिस इज़ बेबी एलिफेंट रघु, एंड यहाँ पे एलिफेंट फीडिंग कैंप है। एंड अभी चलते हैं वहाँ पे अम्मू से मिलने, और ये है प्यारी सी बेबी एलिफेंट गर्ल अम्मू। एलिफेंट कैंप में सभी हाथियों के सेपरेट महावत हैं, जो अपने अपने हाथियों के खान पान और दूसरी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। हाथियों को यहाँ पर चावल, रागी का आटा और उबले काले चने का मिक्सचर दिया जाता है, और डेजर्ट्स में नारियल, गुड़ और गन्ना दिया जाता है। इन हाथियों को इतने पास से बड़े चाव से खाना खाते हुए देखना सच में एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था।
सो दैट वॉज थेप्पकलु एलिफेंट कैंप और बहुत अच्छा लगा यहाँ विजिट करके। और ये रघु और अम्मू तो एकदम सेलिब्रिटी बन गए हैं ऑस्कर जीतने के बाद, ये डॉक्यूमेंट्री के ऑस्कर जीतने के बाद काफ़ी लोग उनको ही देखने आए थे और उनके पास ही ज़्यादा भीड़ लगी थी। बट एनीवे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। एंड हाथियों को देख के तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे हाथी। मतलब हाथियों को देख के तो एकदम मेरा दिल पिघल जाता है, इतने प्यारे लगते हैं मुझे हाथी। तो बहुत अच्छा लगा ये एलिफेंट कैंप विजिट करके। सो दिस इज़ बेसिकली एन एलिफेंट फीडिंग कैंप एज फार एज विजिटर्स आर कंसर्न, बिकॉज टूरिस्ट के विजिटिंग टाइम में एलिफेंट्स को फीड किया जाता है, उनको रात का डिनर दिया जाता है, तो वो हम लोग विटनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट थेप्पकलु एलिफेंट कैंप, जहाँ पे ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री दी एलिफेंट विस्परर्स की शूटिंग हुई है। एंड वो जो दो माता पिता हैं, ह्यूमन पेरेंट्स हैं रघु और अम्मू के, वो यहाँ किसी पास के ही गांव में रहते होंगे, यहाँ महावत हैं, वो ट्राइबल पीपल हैं। एंड अब यहाँ पे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में इसके अलावा जंगल सफारी करने को, सो हम लोग जंगल सफारी करेंगे। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ गेस्ट हाउसेज हैं टूरिस्ट के लिए रुकने के लिए। विजिटर्स कैन स्टे राइट हियर डीप इनसाइड दी फॉरेस्ट नियर दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस एंड नियर दिस थेप्पकलु एलिफेंट कैंप। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे गेस्ट हाउसेज एंड डॉर्मेटरीज हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। सो वी विल बी स्टेइंग हियर टुनाइट एंड अभी हम लोग सफारी भी करेंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की सफारी ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको यहाँ के गेस्ट हाउसेज की डिटेल्स भी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। Have a good time and bye for now.